नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसके बाद में ठंड का मौसम होगा और फिर गर्मी आ जाएगी। लेकिन ये होता कैसे है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों होता क्या है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूम रही है और उसी के साथ साथ वो टिल्ट होकर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई भी है। जब सन रेज अर्थ पे पहुंचती हैं तो एक हिस्से पे, मतलब केवल नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ही सन की रेज पहुंच पाती है, तो उस हिस्से पर आपको गर्मी महसूस होगी। ठीक उसी तरीके से जब सन रेज साउथर्न हेमिस्फीयर पे पहुंचेगी तो वहां पर आपको गर्मी महसूस होगी। ये कारण होता है जिसकी वजह से एक जगह जब गर्मी होती है तो दूसरी जगह पे आपको ठंड मिलेगी। शायद यही एक कारण है जिस वजह से हम लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वो ठंड में मनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो क्रिसमस मनाता है वो समर सीजन में मनाता है, राइट। अब उसके बाद में होगा क्या कि जब अर्थ अपनी पोजिशन को चेंज करेगी सन के टेक्स्ट में, तो बीच में एक फेज भी आता है जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या गर्मी महसूस होगी आपको। ये गर्मी क्या है, ये मॉइस्चर है। मॉइस्चर किस फॉर्म में होता है, आपके वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है और यही वाटर वेपर्स आप देखेंगे आगे जाके क्लाउड का फॉर्म लेते हैं। जब ये क्लाउड बन जाएंगे और किसी पहाड़ से या माउंटेन से जाके टकराते हैं तो उससे जोरदार वर्षा होती है और इसी तरीके से ये 3 सीजन काम करते रहते हैं जिसमें हम लोगों ने देखा समर, विंटर और रेनी सीजन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप दूसरा वीडियो किस पर जाते हैं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहें आपके अपने चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।